कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका से संकलित कविता उत्साह। बादल गर्जो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गर्जो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गर्जो। मित्रों, बादल निराला का प्रिय विषय रहा है, जो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। बादल प्रकृति की एक ओजस्वी छवि का प्रतीक है। इस छोटी मगर सुंदर कविता में कवि निराला ने घने काले सुंदर बालों के समान उमड़ते बादलों का आह्वान किया है, जिनके बरसने से धरती को नया जीवन मिलता है। मित्रों, वास्तव में बादल एक सुंदर विषय है। हम सब भली भांति जानते हैं कि वर्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, परंतु कवि के ये बादल कोई सामान्य बादल नहीं है। ये वो बादल है जो एक उत्साह को जन्म देता है। तो क्यों ना हम भी किसी बादल की कहानी के भाव से नई कविता की रचना करें।